अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मत करो नाराज़ रब को ज़लज़ला आ जाएगा, मत करो नाराज़ रब को ज़लज़ला आ जाएगा, शहर हो जाएगा वीरान, अबूरे गम छा जाएगा, शहर हो जाएगा वीरान, अबूरे गम छा जाएगा। क्यों बगावत कर रहे हो, सरकशी अब छोड़ दो, क्यों बगावत कर रहे हो, सरकशी अब छोड़ दो, वरना लर्जेगी ज़मीन, मातम बपा हो जाएगा। ज़लज़ला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है, इंजार मतलब अल्टीमेटम। ज़लज़ला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है, आखिरत का ज़लज़ला हर चीज को खा जाएगा। मत करो नाराज रब को ज़लज़ला आ जाएगा, शहर हो जाएगा वीरान, अबूरे गम खा जाएगा। सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, आँख पथराएगी दिल हुलकुम में आ जाएगा। आसमां बेनूर होगा और ज़मीं फट जाएगी, नजमों सब गिर जाएंगे, सूरज लपेटा जाएगा। इधर शम्स को विरत। मत करो नाराज रब को ज़लज़ला आ जाएगा, ताबद बाकी रहेगी ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल, सब फना हो जाएंगे जब सूर फूंका जाएगा। मेरे भाइयों, वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, कुछ कहने का वक्त नहीं है, ये अंजुमन की तकरीर एक नज़्म ही के लिए टाइम है, आधा घंटा, जिसमें से 10 मिनट जा चुका। जहन्नम की हौलनाकियाँ, जन्नत जहन्नम का तस्वुर दुनिया के तमाम मज़ाहिब में है तकरीबन। स्वर्ग नर्क आप सुनते हैं, जिसे हम लोग जन्नत जहन्नम कहते हैं, या हेवन या हेल कहते हैं इंग्लिश में। थाईलैंड के अंदर एक वाइट मंदिर है जिसको अल माबदुल अबियज कहा जाता है, उसमें जन्नत और जहन्नम के नज़ारे पेश किए गए हैं। अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे वाइट मंदिर, जिसको वाट रोंग खून, बड़ा डेंजर लफ्ज़ है, उस मंदिर में, उस माबद में जाने के लिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे इंसान के। ऐसे ऐसे मनाजिर वहां दिखाए गए हैं कि आदमी दुनिया में जो कर्म करता है ना, जो उसके कर्तव्य और जो उसके अमाल हैं, उसके नतीजे में जो उसे भोगना पड़ेगा, जो सिया अमाल हैं, किसी के आज़ाए मखसूसा काटे जा रहे हैं, किसी का हाथ काटा जा रहा है, किसी का पैर काटा जा रहा है और किसी की शर्मगाहों में सलाखें डाली जा रही हैं। ये सारे मनाजिर उस धर्मशाला के अंदर दिखाए गए हैं जो बुद्ध मजहब का धर्मशाला है। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम में जन्नत और जहन्नम का जो तस्वुर है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वाजे है और इस कदर साफ शफाफ तालीमात आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, बचा लो अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से। अपने आप को कैसे बचाएंगे और अपनी फैमिली को कैसे बचाएंगे? इमाम बगवी ने अपनी तफसीर में लिखा है, आई बिल इंतहाई अम्मा नहाकुमुल्लाह वल अमल बिताअतिही। अपने आप को जहन्नम से हम इस तरह बचा सकते हैं कि मौलाए कायनात ने जिन चीजों से रोका है उससे रुक जाए और जिससे मना किया है उससे रुक जाए और जिसका करने का हुक्म दिया है उसको बजा लाएं। तभी हम अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हैं। और अपनी औलाद को, फैमिली को कैसे बचा सकते हैं? इमाम बगवी ने हजरत इब्न अब्बास के हवाले से नकल फरमाया है, मुरूहुम बिल खैरी वन्हौहुम अनिश शर्री वअल्लिमुहुम वअद्दिबुहुम तक़ूहुम बिज़ालिका नारा। उन्हें भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको और उन्हें अदब सिखाओ, इस्लामी अदब सिखाओ और बुराई से रोको, तब तुम उन्हें जहन्नम से बचा सकते हो। वो जहन्नम मेरे भाई जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मेरे भाइयों, ईंधन का काम क्या है? आग को भड़काना। लेकिन जहन्नम के ईंधन को अल्लाह जहन्नमियों को खुद ईंधन बना देगा और उन्हीं पे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। वल हिजारा, और पत्थरों को जहन्नम में ईंधन बना दिया जाएगा। पत्थरों से मुराद मुजस्समे हैं जिनकी पूजा की जाती है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। वो जहन्नम इतनी खतरनाक चीज है जिस पे इतने हैबतनाक और सख्त गिर फरिश्ते तैनात हैं। मेरे भाइयों, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया उसकी नाफरमानी नहीं करते। व यफअलून मा युमरून, जो उन्हें कहा जाता है सिर्फ उतना ही करते हैं। उनकी सख्तगिरी की मैं सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता हूँ। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, वो 19 दारोग़े जहन्नम कुल हैं। कितने? 19 दारोग़े हैं जहन्नम के। इतने खतरनाक होंगे, इतने सख्तगीर होंगे। उनकी सख्तगीरी का ये आलम होगा। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक, वनादौ या मालिकुल अक़ज़ि अलैना रब्बुक, जहन्नमी जहन्नम में पुकारेंगे और कहेंगे, दारोग़े जहन्नम को आवाज़ देंगे जिसका नाम मालिक होगा, कि अपने रब से कह दो कि वो हमें जहन्नम में मौत दे दे। जहन्नम के आग, जहन्नम के अज़ाब को झेलना हमारे बस की बात नहीं है। वो दारोग़े जहन्नम जिसका नाम मालिक होगा, 1000 साल तक कान में तेल डाल के बैठा रहेगा, कोई जवाब नहीं देगा। 1000 साल के बाद सिर्फ एक जुमला बोलेगा, इन्नकुम माकिसून, यही मैं पड़ा रहो, निकरे कोशिश न की हो। 1000 साल के बाद सिर्फ एक जुमला बोलेगा, यही पड़ा रहो, यही ठिकाना तुम्हारे लिए ठीक है। दुनिया में तो नहीं मानते थे ना, तो अब चलो। अच्छा, और ताकत की जहां तक बात है, गिलाजुन शेदादुन, शेदाद बेमाना अकविया, इतने मजबूत और इतने ताकतवर हैं। इमाम कुर्तुबी ने हज़रत इब्न अब्बास के हवाले से नकल किया है, मा बैना मनकबइल वाहिद मिनहुम मसीरत सना, एक जहन्नम का दारोगा उसके कंधे की दूरी इस कंधे से लेके इस कंधे तक 1 साल की मसाफत के बराबर है। 1 साल तक चलने वाला चलता चला जाए, जहां 1 साल की मसाफत खत्म होगी इतनी दूरी उसके कंधे की है। और ताकत हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं व कुव्वतुल वाहिद मिनहुम, एक दारोगा जहन्नम की इतनी ताकत, इतना पावर है, यजरिबु बिल मिकमा, वो हथौड़े से मारेगा, फयदफउ बितिलका ज़रबति 70,000 इंसान फी क़ार जहन्नम, एक गुर्ज और हथौड़ा मारेगा 70,000 लोगों को जहन्नम में ढकेल देगा। 70,000 लोग बाहर आए पड़ेंगे, 70,000 लोग भारा के गिर पड़ेंगे एक हथौड़े में। अब आप सोचिए ऐसे कितने हैं? 19 दारोगा हैं जहन्नम पे। अच्छा, जब ये आयत उतरी अलैहा 19 दारोगे हैं जहन्नम पे, तो अबू जहल ने कहा, कुरैश के लोगों से मजाक उड़ाया, ला यहूलन्नकुम 19, ये 19 से क्या मोहम्मद हमें डरा रहे हैं? 19 दारोगा, 19 दारोगा, ये कुरान कहता है 19 दारोगा। अरे लोगो, अरे लोगो, तुम तो मजबूत पहलवान हो ना। अरे 10 लोग मिलके एक दारोगा का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अरे एक एक बंदा 10 को मारेगा, 10 लोग एक दारोगा को मारेंगे, तो उसके बाद तुम जन्नत में भाग के चले जाओगे। सुम्म तमुर्रुना इलल जन्ना, 10 लोग मिलके एक दारोगा का मुकाबला करके जहन्नम में नहीं जाना, वो जहन्नम में हाकेगा, तुम मार के गिरा देना और उसके बाद जन्नत में भाग के चले जाना। खेल है बच्चों का, दारोगा जहन्नम को मार लेंगे। हाँ, अबुल अशद इब्ने किल्दा अल जमही, ये बड़ा पहलवान था, अरबों का बड़ा शोरमा बनता था, बड़ा मजाक उड़ाता था हमारे नबी का। जब ये आयत करीमा उतरी तो कहा, मैं अरब का पहलवान हूं, इब्ने किल्दा अल जमही मेरा नाम है, अरे ये 19 दारोगा हमारा क्या कर लेंगे? कहने लगा, अजरेबो बे मन के बी अल अयमन अशरा, दाएं बाजू से मैं 10 को मार के गिराऊंगा और बाएं बाजू से 9 को मार के गिराऊंगा, फिर तुम सब लोग भाग करके जन्नत में चले जाना। मेरे भाइयों, वो इतने हैबतनाक और खौफनाक दारोगे होंगे मेरे भाइयों, उसको देखते ही आदमी का पसीना छूट जाएगा, और पसीना ही नहीं छूटेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें छूट जाएंगी। मेरे भाइयों, वो जहन्नम की आग उसको झेलना हमारे और आपके बस का रोग नहीं है। कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते, मुस्नद अहमद की रिवायत, सुनन दारमी की रिवायत, हजरत नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं, मैंने नबी को खुतबा इरशाद फरमाते हुए सुना, आप अपनी उम्मत से कह रहे थे, सहाबा से कह रहे थे, अंजर तो कुमुन्नार, ओ सहाबा मैं तुम्हें जहन्नम से डराता हूं, जहन्नम से डराता हूं। इतनी जोर जोर से आप सदा लगा रहे थे कि मंडी और बाजार में जो लोग खरीदारी कर रहे थे वहां तक नबी की आवाज जा रही थी। एक चादर आपके कंधे पे थी, इतने एक्साइटेड हो गए जब जहन्नम का जिक्र किया कि वो चादर गिर करके आपके पैरों के पास चली गई, हमारे नबी को पता नहीं चला। हज़रत आदी इब्ने हातिम फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन्नार, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ। कहना सुनना आसान है मेरे भाई, लेकिन जहन्नम की आग को झेल लेना हमारे और आपके बस का रोग नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ओ लोगों जहन्नम से बचो। 3 बार आपने यही जुमला इरशाद फरमाया, सुम्मा आरज़ा बेवजही व अशाहा, आपने जब जहन्नम का जिक्र किया तो चेहरा इधर को फेर लिया, ऐसा लग रहा था कि जहन्नम को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर आपने फरमाया, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, ओ लोगों जहन्नम से बच जाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही अल्लाह की राह में सदका देकर क्यों ना हो। पूरा खजूर नहीं मेरे भाई, सिर्फ आधा खजूर अगर है वो भी सदका दे के जहन्नम से छुट्टी ले लो। फ़इल्लम तजिदू फ़बिकलिमतिन तय्यबा, और अगर तुम्हें अगर खजूर पूरा न मिले तो भली बात बोलकर जहन्नम से छुट्टी ले लो। अगर मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं तो वो भी सुने। अल्लाह के रसूल ने ईद का खुतबा दिया, आपको लगा कि मर्दों तक तो आवाज गई लेकिन औरतों तक आवाज नहीं पहुंची। आप औरतों की जमात के पास तशरीफ ले जाते हैं और कहते हैं, या माशरन निसा तसद्दकना, ओ औरतों की जमात सदका करो। फइन्नी राई तो कुन्ना अक्सर अहलिन्नार, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। मेरी माँ और बहनों, एक औरत ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आखिर हम औरतों का जुर्म क्या है कि हम जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलेंगी? आपने फरमाया, लअन्नकुन्ना तुकसिरना लाना व तकफुरना लाशीर, इसलिए कि तुम लोग लानत मलामत ज़्यादा करती हो, शोहरों की नाफरमानियाँ ज़्यादा करती हो। इसलिए मेरी बहनों, अपने शोहरों की इताअत व फरमाबरदारी करो। औरतें आज नाशुक्री का ये आलम है, लानत मलामत ज्यादा करती है और एहसान फरामोशीन के अंदर ज्यादा पाई जाती है। हर मोड़ पर आदमी कमा के लाता है, खिलाता है, पिलाता है, हर फंक्शन शादी ब्याह में नया जोड़ा देता है। मर्द अपना पुराना पहनता लेकिन बीवी के लिए नया जोड़ा होना। एक मौके पे बेचारा अगर चूक गया तो कहेंगी, जब से ही चौखट नागन कबो सुख चैन ना ही पाए। ये औरतों की फितरत। लेकिन मेरी माँ और बहनों, ऐसा नहीं है कि तुम जहन्नम में ही जाओगी, जन्नत में नहीं जाओगी। अच्छे अमाल करोगी तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी भी भीड़ लगेगी जन्नत के दरवाज़ों पर। बस ईमान और अमल सालेह पे कायम रहो और अपने शोहरों की इताअत व फरमाबरदारी करती रहो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहन्नम तो वो ख़तरनाक चीज़ है। हज़रत उमर बिन खत्ताब लोगों से कहते थे, इत्तक़ुन्नार, वो लोगों जहन्नम से बच जाओ। फ़इन्ना हर्रहा शदीद, जहन्नम की गर्मी बहुत तेज़ है। वक़अरहा बईद, जहन्नम में गहराई बहुत ज़्यादा है। व मक़ामिअहा मिन हदीद, लोहे के गुर्ज होंगे, लोहे के गुर्ज से जहन्नमियों को मारा जाएगा। मेरे भाइयों, जहन्नम ऐसी खतरनाक चीज है, एक अजाब नहीं है, न जाने कितने अजाब हैं। इसीलिए हजरत जिब्रील को जब अल्लाह ने जहन्नम पैदा किया, कहा, जिब्रील जरा जाओ जहन्नम का मुशाहदा करके आओ। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत, हजरत जिब्रील जाते हैं, देखते हैं जहन्नम में अल्लाह ने इतना अजाब भर दिया है। फ़ैदा यरकबो बाज़ुहा बाज़ा, जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा था। हजरत जिब्रील ने कहा, मौला इतना अजाब तूने भर दिया है, कोई भी इस जहन्नम के बारे में सुनेगा, कोई इसमें जाना नहीं चाहेगा, कोई नहीं जाएगा। फ़हुफ़्फ़तिन्नारु बिश्शहवात, जहन्नम को शहवत परस्ती से ढांप दिया जाएगा। शहवतों के पीछे भागते रहो, जहन्नम में दाखिला आसान हो जाएगा। अब की बार जब जिब्रील आते हैं तो कहते हैं, मौला अब तो मेरा ख्याल है कि जहन्नम से कोई भी नहीं बच पाएगा। जहन्नम और जन्नत में झगड़ा हो गया। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत, वक्त नहीं पढ़ने के लिए। इह्तज्जतिल जन्नत वन्नार, जन्नत और जहन्नम में झगड़ा हो गया तो जहन्नम कहने लगी, मेरे अंदर डेंजर किस्म के लोग आएंगे, जो मुतकब्बिर हैं, जो सरकश हैं, वो मेरे अंदर आएंगे। तो जन्नत ने कहा, यदखुलुनि ज़ुअफ़ा वल मसाकीन, मेरे अंदर ज़ईफ़, कमज़ोर, मिस्कीन आएंगे। दोनों का झगड़ा मौला की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ने फैसला किया, जन्नत से कहा, अंति रहमती, ओ जन्नत तुम मेरी रहमत है, अरहमु बिकी मन नशाओ, जिस पे मैं रहम करना चाहूँगा तेरे ज़रिया करूँगा। ओ जहन्नम तुम मेरा अजाब है, जिससे मैं बदला लेना चाहूँगा तेरे ज़रिया बदला लूँगा। मेरे भाइयों, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत आयत है। जहन्नम को जब लाया जाएगा क़यामत के दिन एक लंबी सी गर्दन निकलेगी, तखरुजु उनुकुम मिनन नार लहा ऐनान तुबसिरान व उज़ुनान तस्माआन व लिसानुन यंतिक। सुनो, जहन्नम के अंदर से गर्दन निकलेगी, लंबी सी गर्दन, उसमें दो आंखें होंगी, ऐसा फाड़ फाड़ के सबको जहन्नम देख रही होगी। जरा सोचो कितना डेंजर मंजर होगा। आज जहन्नम की आंख कितनी बड़ी होगी ये तो कोई नाप के बता ही नहीं सकता। अब वो ऐसा देख रही होगी, हाँ, और कान से सुन रही होगी, जबान निकालेगी, चिंगाड़ेगी और कहेगी इन्नी वकील तो बेसलासा, तीन लोगों को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। कौन कौन है? बेकुल्ले जब्बारिन अनीद, सरकश और मतकब्बिरों और घमंडियों को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। हुआ बेकुल्ले मन दाआ मा अल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के साथ गैर को अपना महबूद और पार्टनर बनाता है। वह बिल मुसव्विरीन, तस्वीर बनाने वालों को, जो जानदारों की तस्वीर बनाते हैं, उनको नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह के रसूल फरमाते यूता भी जहन्नम यौमल क़ियामा, जहन्नम को पकड़ के घसीट के लाया जाएगा। लहा सबऊना अल्फ जुमाम, 70,000 लगामें होंगी। आप कहोगे मेरे भाई जहन्नम तो एक पैलेस है, एक जगह है, आखिर जहन्नम को घसीटा कैसे जाएगा? मेरा मौला इस बात पे कुदरत रखता है कि जहन्नम को कहेगा जाओ जरा टांग के ले आओ, सबको दिखा दूं जरा मैं अपनी ताकत, जो मेरे साथ गैरों को शरीक करते हैं। मेरी ताकत और मेरे पावर का लोगों को अंदाजा नहीं है। मेरी चौखट छोड़ के गैरों की चौखट पे जो सर झुकाते हैं, जो मेरे आगे हाथ ना उठा के गैरों के आगे हाथ उठाते, आओ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी ताकत क्या है। 70,000 फरिश्ते, 70,000 लगामें, और हर लगाम पे 70,000 फरिश्ते, और उसके बाद जहन्नम को लाया जाएगा, घसीटते हुए लाया जाएगा। अल्लाह अपनी ताकत दिखाएंगे मेरे भाइयों। तो जहन्नम ऐसी चीज है, और एक आजाब नहीं है, डसने के लिए सांप भी हैं और डंक मारने के लिए बिच्छू भी हैं। मुस्नद अहमद की रवायत अल्लामा अलबानी ने सिलसिला सहीहा में नकल किया है। इन्न फिल जन्नति हयात, जहन्नम में बड़े बड़े सांप हैं। हमारे बच्चे कार्टून में देखते ना, इतने भारी भारी सांप। जहन्नम का सांप मालूम है कितना बड़ा होगा? हाँ, जहन्नम का सांप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कानाकिल बुख्त, यमन के बड़े बड़े ऊंट होते ना, उनके गर्दनों की तरह। एक आदमी को जब एक बार डस लेगा ना सांप, तलसौ इहदाहुन्नल लसआ फयजदु हुमुवतहा 40 खरीफा, एक बार डसेगा ना 40 साल तक आदमी उसकी गर्मी और तपिश से बेचैन रहेगा। इतने भारी भारी बिच्छू होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतने भारी भारी बिच्छू कल बेगालिल मुकफा, जैसे बड़े बड़े खच्चर होते हैं। एक बार बिच्छू डंक मारेगा ना 40 साल तक तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे। वो जहन्नम है मेरे भाइयों। जहन्नमी जहन्नम में रोएंगे, चिल्लाएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे। कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं कि उनके आंसू सूख जाएंगे, हत्ता तनक़तिअ दुमू, यहाँ तक कि उनके आंसू सूख जाएंगे तो खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। फयबकून दम, और रोते रोते हत्ता यसीरफी वजूहिमुल उखदूद, उनके गाल में इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ जाएंगे रोने की वजह से। अल्लाह के रसूल फरमाते लौ सुयरत फीहा सुफुन लजरत, अगर उसमें कश्तियां चला दी जाए तो मेरे भाइयों कश्तियां चलने लगेंगी। इस कदर जहन्नमी रोएंगे, मौत पुकारेंगे, लेकिन उन्हें वहां मौत नहीं आएगी। खाने के लिए जक्कूम का पेड़ जो गले में, जक्कूम का दरख्त जो जहन्नम की तह में उगेगा। अरे जहां आग ही आग है वहां पेड़ कैसे उगेगा? मेरा मौला इस बात पे कादिर है। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी असलिल जहीम, ये वो पेड़ होगा जहन्नम की तह में उगेगा। मेरे भाइयों, खाएंगे, गले में अटक जाएगा, गरम गरम पानी दिया जाएगा, तड़ियां बाहर को निकल जाएंगी। मेरे भाइयों, और चमड़ियों का यह आलम होगा कि मेरे भाइयों वो आग चारों तरफ से घेर कर जलाएगी। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम, जब उनकी चमड़ियां पक जाएंगी उसकी जगह हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि ये अजाब चखते रहे। बहुत ज़बरदस्त इसमें मेरे भाइयों नुक्ता है, साइंसदानों ने साबित किया है। देखो, दर्द का एहसास चमड़ी पे होता, पेन और दर्द, चमड़ी गल जाए सड़ जाए ना, अंदर सुई जब जाती है ना तो एहसास नहीं होता। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे भाइयों, एक दिन में 70,000 मरतबा जहन्नमियों की चमड़ियां रिप्लेस होंगी, जलेंगी चढ़ेंगी, जलेंगी चढ़ेंगी। इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि ये जिस्म गवाही खुद देगा, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम इनकी ज़बानों पे ताले लगा देंगे, इनके हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे। ये जिस्म गवाही खुद देगा, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। खामोश ज़बान रह जाएगी, उस वक्त का आलम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज जहन्नम क्या होगा। इस आग का जब ये आलम है, उस आग का आलम क्या होगा। एक बार खता गर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, वहाँ गिरिए पे हम क्या होगा, वहाँ रोने का आलम क्या होगा। आज जलसे में नहीं, ये समझो ना, बच्चों की अंजुमन में मैंने तकरीर की है, ठीक है, इसलिए कि वक्त ख़त्म हुआ, तो यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला हम तमाम भाइयों को जहन्नम से आज़ादी दे दे। मेरे मौला हमारे बस का रोग नहीं है जहन्नम के अजाब को झेलना, इसलिए मेरे मौला तू हमें जन्नत के रास्ते पे चला दे। हमको भी चाहिए मेरे भाइयों, ईमान को मजबूत रखें, अच्छे अमाल करते रहें, ताकि अल्लाह हमें जहन्नम से दूरी अता फरमा के जन्नत में हम सबको दाखिला नसीब फरमा दे। आमीन। तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।